पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हत्याकांड के चलते गिरफ्तार किए गए शूटर प्रियव्रत फौजी ने बताया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 27 मई को ही हो जाती, क्योंकि उस दिन वे गाड़ी से अकेले निकले थे और शूटरों ने उनका पीछा किया था। सूत्रों ने बताया कि प्रियव्रत फौजी ने पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी दी है। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर और बुलेरो मॉड्यूल के हेड प्रियव्रत फौजी ने पुलिस को बताया 27 मई को सिद्धू मूसेवाला अकेले गाड़ी में बैठकर निकले थे, जिसके बाद बुलेरो और कोरोला कार में सवार शूटर सिद्धू के पीछे पड़ गए थे। सिद्धू किसी केस के सिलसिले में कोर्ट के लिए निकले थे और उनकी गाड़ी के पीछे शूटर्स की गाड़ी ने पीछा करना शुरू कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी गांव की सड़क की जगह मेन हाईवे पर तेजी से चलने लगी और शूटर बहुत दूर तक सिद्धू की गाड़ी का पीछा नहीं कर पाए और प्लान फेल हो गया। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में हुई थी। उस समय मूसेवाला अपनी थार कार पर सवार थे, तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। पिछले दिनों ही गुजरात से दिल्ली पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक प्रियव्रत फौजी है। 26 साल का प्रियव्रत फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है और सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के समय वो गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। प्रियव्रत फौजी इससे पहले भी हत्या के 2 मामलों में शामिल रहा है। ये दोनों केस सोनीपत के ही हैं। गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले के सजियान पाना गांव के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। वहीं स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के बठिंडा जिले के आवा बस्ती का रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गिरफ्तार प्रियव्रत फौजी से पूछताछ के बाद ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और AK-47 जैसी दिखने वाली राइफल बरामद हुई है। ये सभी हथियार इंडिया में नहीं बने हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि कहीं ये हथियार पाकिस्तान से तो नहीं मंगाए गए, इसकी जांच की जा रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।